इस तरह की सोशल प्रोफाइल वाली कैरेक्टर कैसे क्रिएट करें वो तो सभी लोग जान गए हैं। अब हम बताएंगे कि इसमें आप अपना खुद का फेस कैसे लगा सकते हो। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। और उस इमेज को क्रिएट करके हम वीडियो कैसे क्रिएट करेंगे वो भी इस वीडियो में हम जानते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करो एंड चैनल सब्सक्राइब करो। सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है राजन एडिट। ये लिख के सर्च करोगे यहाँ पे आपको फर्स्ट में वेबसाइट मिलेगी। यहाँ पे आपको सारे स्टॉक मिलेंगे जो भी मैं आपको देने वाला हूँ। ये जो फर्स्ट वाली आर्टिकल है रिप्लेस फेस वाली, आपको सिंपल से इसको सिलेक्ट करनी है। तो अभी हम इस आर्टिकल पे टैप करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो दिया गया है और जो हमारा लिंक है वो भी दिया गया है। जो सरप्राइज में लिखा हुआ है उस पर क्लिक करोगे तो आप न्यू पेज पे चले जाओगे। तो प्रॉम्प्ट को आप कॉपी करना और यहाँ पे बिंग इमेज क्रिएटर पे आ गए हो तो सिंपल से यहाँ पे आप इसको पेस्ट करना। अगर आपके ब्राउजर में पहले से लॉगिन होगा तो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है और उसके बाद से यहाँ पे नाम को आपको चेंज करना है। जैसे यहाँ पे मेरा नाम राजन है तो मैं यहाँ पर राजन लिख लूंगा। और उसके बाद से ऊपर आपको इंस्टाग्राम जो दिख रहा है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो पहले मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। सिंपल से यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। इंस्टाग्राम वाली तो मैंने बहुत सारी क्रिएट कर लिया, मैं सोचता हूँ कि चलो स्नैपचैट के ऊपर बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्नैपचैट लिख लिया और सिंपल से क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो हमारी इमेज है वो जनरेट होना स्टार्ट हो गई है और अभी देखो हमारी इमेज रेडी हो गई है। अब इनमें से जो भी इमेज आपको अच्छा लगता है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मुझे ये वाला थोड़ा सही लग रहा है। सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। इस तरह आप जो भी सोशल प्रोफाइल वाली एक फोटो बनाना चाहते हो उस पर आप बना सकते हो। सिंपल से आपको क्या करना है, वहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हो टेक्स्ट को। जैसे अभी हम यहाँ पे लिखते हैं इंस्टाग्राम और इसकी फोटो जनरेट करते हैं। सिंपल से जनरेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर नहीं अच्छा लगता है दोबारा क्रिएट पे क्लिक करना, दोबारा दूसरे फोटो आएंगे। अब उनमें से आप किसी और को डाउनलोड कर सकते हो और जब रेडी हो जाए तो बैक करके वापस हमारी वेबसाइट पे आना और यहाँ पे आपको देखो रिफेस योर फोटो। सिंपल से आपको उस पर क्लिक करना है, जो ब्लू कलर का बटन दिया गया उस पर क्लिक करोगे तो आप इस वाली वेबसाइट पे आओगे। यहाँ पे हमें अपनी फेस स्वैप करनी है तो सिंपल से उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऊपर वाला जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ऊपर वाले अपलोड वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हमने जो भी बिंग से इमेज क्रिएट की थी उस इमेज को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। नीचे वाले अपनी इमेज सेलेक्ट करेंगे और स्वैप पे क्लिक करेंगे। अब देखो जो हमारी फोटो है यहाँ पे जनरेट होकर रेडी हो जाएगी और जो हमारा फेस है यहाँ पे फोटो में आ गया है। सिंपल से यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। जिन लोगों को फोटो बनाना है यहाँ पर उनका काम खत्म हो गया है। जिन लोगों को वीडियो बनाना है उसके लिए आप सिंपल से वीएन एडिटर एप्लीकेशन में आओ और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पर जाकर आप वो फोटो सेलेक्ट करो और सिंपल से क्या करो, जो रेशियो है उसको टिकटॉक वाला जो दिख रहा है ऑप्शन वो सेलेक्ट कर लो और उसके बाद से जो आपकी लेयर है उस पर क्लिक करो और फोटो को छोटा कर लो। फिर यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना, इमेज वाले ऑप्शन पे जाना और यहाँ से ब्लर को थोड़ा कम कर देना। बस देखो जो आपकी वीडियो है वो रेडी हो गई है। अब हमें इसको टेम्पलेट में यूज करना है तो सिंपल से हम क्या करेंगे, यहाँ से वीडियो को हम एक्सपोर्ट करेंगे और हम टेम्पलेट यूज करेंगे। टेम्पलेट कहाँ मिलेगा, आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। वहीं पे आपको देखो नीचे ये जो रेड कलर का कैप कट टेम्पलेट लिंक लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप इस पेज पे आओगे। यहाँ पे जो देखो हमारा मेन टेम्पलेट है, देखो ये वाला टेम्पलेट आपको यूज करना है। नीचे आपको यूज टेम्पलेट इन कैप कट पे क्लिक करना है। अब देखो हमारा जो कैपकट एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हमें टेम्पलेट दिख जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमारी जो टेम्पलेट है वो रेडी है। अब नीचे यूज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वीडियो सेलेक्ट करना और उसके बाद से आपकी वीडियो कुछ ऐसी रेडी हो जाएगी और इस तरह से आप इस वीडियो को क्रिएट कर सकते हो। फोटो बनाने के लिए मैंने बता दिया, वीडियो बनाने के लिए बता दिया। तो अभी इस वीडियो को लाइक करो।